हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं सर, कोई पूछने भी नहीं आता है, कंपनी मालिक भी नहीं आता है सर, हम लोग क्या करें, रोड पे आके ऐसे खड़े हो जाते हैं रोज रोज, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, कोई ना पानी मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है सर, हम लोग को इंडिया बुलाने की कोशिश किया जाए सर, हम लोग बहुत परेशान है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं पूरे इंडियन भाई से कि हम लोगों की व्यवस्था किया जाए, हम लोग घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, हम लोगों के आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है सरकार, हम लोगों को हेल्प किया जाए सरकार। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच सीतामढ़ी के 5 लोग जॉर्डन में फंस गए हैं। जॉर्डन देश में फैक्ट्री बंद हो गई है और उन लोगों को वेतन तक नहीं मिल रहा, यानी खाने तक की भी मुसीबत उत्पन्न हो गई है। जॉर्डन से उन लोगों ने एक वीडियो जारी किया है और अपनी आप बीती शेयर की है। सीतामढ़ी के 5 व्यक्ति कुछ दिन पूर्व रोजी रोजगार के लिए जॉर्डन गए थे। जॉर्डन से उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें बताया है कि उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया गया, वहाँ की फैक्ट्री बंद हो गई और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह वतन लौट सके। उन लोगों ने अपनी आप बीती मुझे फ़ोन कर बताई। उन्होंने इस दौरान वीडियो कॉल पर वहाँ का नज़ारा दिखाया और उनके साथ व्यतीत हो रही घटनाक्रम को बताया। आपको बता दें कि जॉर्डन में यह सभी भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें सीतामढ़ी के 5 व्यक्ति हैं। सीतामढ़ी के फंसे व्यक्तियों में राजू, मोहम्मद जुनैद, राजेश कुमार समेत 5 व्यक्ति हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। उन लोगों का यह भी कहना है कि वो लोग भारतीय दूतावास में भी लगातार संपर्क साध रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई मदद नहीं मिल रहा। अब देखने की बात होगी कि भारत सरकार कब तक अपने देश के जॉर्डन में फंसे लोगों को वापस लाती है। हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं सर, कोई पूछने भी नहीं आता है, कंपनी मालिक भी नहीं आता है सर, हम लोग क्या करें, रोड पे आके ऐसे खड़े हो जाते हैं रोज रोज, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, कोई ना पानी मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है सर, हम लोग को इंडिया बुलाने की कोशिश किया जाए सर, हम लोग बहुत परेशान है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं पूरे इंडियन भाई से कि हम लोगों की व्यवस्था किया जाए, हम लोग घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, हम लोगों के आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है सरकार, हम लोगों को हेल्प किया जाए सरकार। जुनैद बैठा, मेरा जिला सीतामढ़ी, गांव का नाम बतनाहा। मेरा यही गुजारिश है कि इधर कम से कम हम लोग 2 महीना हमारा कंपनी बंद हुआ हो गया, 2 महीना सबको नहीं भेज रहा है इंडिया, और सैलरी 3 महीना का हम लोग को पेंडिंग है, और ऊपर से 2 साल 5 साल 10 साल सब सोशल सब बाकी है, सोशल सिक्योरिटी और लीव सैलरी सबका बाकी है, सब वतन अपना घर वापिस जाना चाहता है, पूरा पैसा एक एक पैसा लेके जाना चाहता है, और इधर कम से कम इंडियन आदमी 120 फंसा हुआ है, ऊपर से बंगाली 700 है और नेपाली है, लंका है, वो सभी अपना देश वापिस जाना चाहता है। वो पोस्टर वाले ला जॉर्डन में फंसे 5 व्यक्ति अब भारत लौटना चाहते हैं। आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा और आप बीती कैसे सुनाई, उनके जॉर्डन में क्या हालात हैं इसके बारे में भी उन्होंने
पूरी बात बताई है। अब देखने की बात है कि भारत सरकार कब तक जॉर्डन में फंसे भारतीयों को वापस लाती है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के 5 लोग के अलावा अन्य प्रदेश यानी भारत के अन्य अलग अलग इलाके के भी लोग वहां फंसे हुए हैं। दर्श न्यूज के लिए सीतामढ़ी से कुमार सौरभ।